सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 में इंटीग्रेशन की बात करते हैं. आपको क्वेश्चन दिया है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है. तो आपको कुछ नहीं करना है यार, ये साइन क्यूब एक्स है तो इसको लिख लेना साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. अब आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है, उसकी मदद से हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और यहां पर साइन एक्स को एज इट इज रहने दो. अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो हमें कुछ नहीं करना, हम कॉस एक्स को टी मान लेंगे. जैसे ही हमने कॉस एक्स को टी माना, ये हो जाएगा कॉस एक्स को टी मानते ही कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डीएक्स बराबर डी टी. तो ये हो जाएगा माइनस बाहर टी स्क्वायर माइनस टी की पावर फोर डी टी. तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है. समथिंग की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. उसकी मदद से ये आ जाएगा माइनस टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस टी की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी. अब आप टी की जगह पर कॉस रख देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. इसी के ही और पार्ट में जाते हैं. आपको दिया है इंटीग्रेशन करना है चार से लेकर के नौ तक रूट एक्स अपॉन थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू का होल स्क्वायर डीएक्स. तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू को टी मान लें. जैसे ही आपने इसको टी माना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा माइनस थ्री बाय टू रूट एक्स डीएक्स बराबर डी टी. यानी रूट एक्स डीएक्स को हम लिख सकते हैं माइनस टू बाय थ्री डी टी. अब कुछ नहीं, सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज. जैसे ही आपने वैल्यूज सब्सटीट्यूट करी, ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर. इसको इंटीग्रेट करना और बाहर आ गया माइनस टू बाय थ्री क्योंकि कॉन्स्टेंट है. टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, जो कि हो जाएगा टू बाय थ्री टी. अब टी की जगह पर टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा फंक्शन आ जाएगा, यानी हमारा फंक्शन आ गया वन अपॉन थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू और बाहर टू बाय थ्री. लोअर लिमिट फोर है, अपर लिमिट नाइन है. जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो आंसर आ गया नाइनटीन अपॉन नाइन नाइन नाइन. क्वेश्चन नंबर 22 में आपको साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू जो है वो पता करनी है जब एक्स की जगह पे थ्री पाई बाय फाइव है. तो यार साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाय फाइव, थ्री पाई बाय फाइव के बराबर तब होता जब ये जो हमारा एक्स है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में होता. पर तुम ध्यान से देखो तो क्या थ्री पाई बाय फाइव जो है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है? नहीं. तो हम क्या है इसको कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने थ्री पाई बाय टू को फाइव को लिख दिया पाई माइनस थ्री पाई बाय फाइव, तो आ जाएगा टू पाई बाय फाइव. क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब ये साइन टू पाई बाय फाइव हो गया, तो यानी टू पाई बाय फाइव जो है वो जो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाई करेगा, तो आंसर हो जाएगा टू पाई बाय फाइव. इसी के ही और पार्ट डिस्कस करते हैं. आपको टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स पाई बाय फोर के बराबर दिया है. सिंपल सी आइडेंटिटी है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, जिसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, जो कि पाई बाय फोर के बराबर है. उसकी मदद से हमारा फाइव एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर पाई बाय फोर की बराबर आया. टेन पाई बाय फोर वन होता है, यानी इसको हम डायरेक्ट वन के बराबर लिख सकते हैं. अब ये क्वाड्रेटिक बन गई. इस क्वाड्रेटिक के आप फैक्टर्स करोगे तो आ जाएंगे सिक्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, यानी एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक वन बाय सिक्स और माइनस वन. अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखेंगे. अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे. माइनस वन रखने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. हमारा आंसर होगा x की वैल्यू वन बाय सिक्स. 23 में आपको लिमिट दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है fx, और आपको बताना है कि क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि कंटिन्यूस होगा, अगर नहीं आए तो डिसकंटिन्यूस. जैसे ही आपने वन रखा, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो वैल्यू आ गई सिक्स वन माइनस पे. वन प्लस आपने रखा तो वैल्यू आ गई माइनस फोर. तो यानी यहां से आप लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स जो फंक्शन है हमारा वो डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोला है इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो माइनस टू कॉमा थ्री से पास कर रही है, और जो स्लोप दिया हुआ है वो टू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर दिया है. तो यार अगर हमें स्लोप दिया है तो स्लोप तो हम कर्व को डिफ्रेंशिएट करके ही निकालते हैं. तो एक काम करते हैं, हम इसे इंटीग्रेट करते हैं. जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी. तो
तो हमने इसको एक तरफ भेज दिया वाई स्क्वायर डीवाई और इधर हो गया 2xdx। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ यानी वाई क्यूब अपॉन 3 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस सी के बराबर है। ये हमारी कर्व की इक्वेशन आ गई, क्योंकि जो कर्व है वो -2.3 से पास कर रहा है यानी -2.3 को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसकी मदद से आप सी की वैल्यू पता कर सकते हो, यानी सी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 5। अब हमें कुछ नहीं इस इक्वेशन में रखना है, y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आप 3 को इस तरफ भेज दो तो हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 15। यार क्वेश्चन नंबर 25 की हमें बात करनी है यार। इसमें बोला एक फैमिली है, उनके दो चिल्ड्रन है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है यार इस चीज की कि दोनों बॉयज होंगे तब जब उनमें से कम एक बॉय है। तो यार जो हमारा पहले काम हो चुका होता है उसे हम क्या मानते हैं एफ, दूसरे को हमने माना ई। एफ इवेंट आपने मान लिया एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, और ई आपने माना यार बोथ आर बॉयज। अब प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, ई बाय एफ की यार, बोलो क्यों, क्योंकि एफ हो चुका है यार और अब ई होना है। इसमें आप एक अपनी सैंपल स्पेस बना लो यार, जिसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों बॉय हो सकते हैं यार, पहला गर्ल और दूसरा बॉय हो सकता है, या फिर पहला बॉय और दूसरा गर्ल हो सकती है, और या फिर दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। हमने निकाला यार ई को जो फेवर करेंगे आउटकम यार, मतलब क्या दोनों का बॉय होना, तो वो कौन सा होगा यार, सिर्फ एक ये वाला आउटकम, तो ई की सैंपल स्पेस हो जाएगी ये। सिमिलरली एफ के जो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे ये, यानी क्या एटलीस्ट वन बॉय, ज्यादा से ज्यादा दोनों हो सकते हैं यार, तो जी बी बी जी और बी बी। अब यार हमें पता है यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब हमें किसकी जरूरत है यार, एक इसकी यार ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी की, तो उसके लिए क्या जरूरत है, ई इंटरसेक्शन एफ जो कि क्या हो जाएगा बी कॉमा बी, बोलो यार। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की हमें जरूरत है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने, 3 फेवरेबल आउटकम है टोटल 4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ई इंटरसेक्शन एफ में एक आउटकम है यार फेवरेबल, टोटल 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4। दोनों को उठा के आप इस फॉर्मूले में रख दोगे यार, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं यार। आपको इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर आई के बराबर है यार, आपको वैल्यू बतानी है ए माइनस आई का होल क्यूब और ए प्लस आई के होल क्यूब माइनस 7 की। पहले यार इसमें आप लगा दो ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला और इसमें ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। यार हमें पता है यार किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स मिलती है, उसी हिसाब से हो जाएगा -3a² + 3a और ये +3a² + 3a। इसको आप सॉल्व करो प्रॉपरली यार, तो आपका ए क्यूब प्लस ए क्यूब हो जाएगा 2a³, -3a² और +3a² निपट जाएंगे यार, ये आपका हो जाएगा 6, 3a + 3a 6 है, और यार ये हो जाएगा आपका -7 है, और आपका आई क्यूब और आई क्यूब यार ये माइनस के साथ है प्लस के साथ है निपट जाएंगे। इसको आप सॉल्व करोगे यार तो 6 से -7 है आपका सेम चलेगा यार। इसमें से मैंने क्या किया यार, इसको लिख लिया मैंने 2a² और इसको लिख लिया है ए, क्यों यार, क्योंकि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी थी आई। अब यार ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आई, आई ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए, 6 और 7 है पहले से चल रहा है यार। प्रॉपरली सॉल्व करोगे आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा